अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश में नए नए नया चैप्टर जो पोयम है वो पढ़ेंगे। लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था द कायदे आजम एंड हिज विजन अबाउट पाकिस्तान, ये पढ़ा था। अगर आपको याद होगा इसका काम हो गया होगा यकीनन। रेन इन समर नेक्स्ट है पोयम, और ये पेज नंबर 64 पे। अगर आपके पास बुक भी खुली हो तो मैं आपको बता देती हूँ, इसको लिखा है एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो ने। सही है, रेन इन समर का मतलब है कि गर्मियों की बारिश, जैसे आजकल बारिशें हो रही हैं, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो जहमत बन जाती है बारिश। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि समर में बारिश जो लॉन्ग फेलो, जाहिर अंग्रेज है वो अपने अपने इलाकों के बारे में बताएंगे। सही है, हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फेरी स्ट्रीट इन द नैरो लेन, हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन। यानी कितनी खूबसूरत बारिश होती है जब समर में बारिश होती है, डस्ट भी होती है, हीट भी होती है, इस गर्मी में इस गर्दो गुबार के तूफान में जब बारिश गिरती है तो उसकी खुशबू से हर तरफ महक अच्छी उठती है, और छोटी छोटी गलियां जो होती हैं, और नैरो लेन कहते हैं कि तंग गलियां छोटी छोटी, उसमें जब आबशार की तरह पानी बहता है, ज़रा हमारे यहाँ की तरह गंदगी थोड़ी होगी, वहाँ तो अपने इलाके के लिहाज से वो बताया गया है उन्होंने शायर ने। तो हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, तो बारिश उन जगहों पे कितनी खूबसूरत लगती है। दूसरा स्टेंजा आइए, हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स। क्लैटर्स कहते हैं बारिश की जो रूफ, ऐसी पक्की छतें तो नहीं होती जैसे हमारे यहाँ ये सीमेंट के, और इसकी बाहर जो घर बने हुए होते वो दूसरी टाइप की छतें होती हैं, जिसमें अगर बारिश की आवाज पड़े तो क्लैटर्स पट 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 ऐसी आवाज आती है जैसे कोई चीज गिर रही है, तो वो आवाज भी अच्छी लगती है। लाइक अ ट्रैम्प ऑफ हूफ्स, जैसे घोड़ों की टापों की आवाज होती है या किसी खच्चर के टापों की आवाज। हाउ इज बुशेज एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवर फ्लोइंग स्पाउट। सही है, तो यानी कि एक पाइप की तरह, एक तंग पाइप है जिसमें से पानी तैरता हुआ बाहर निकलता है। ठीक है, नंबर तीन स्टैंजा देखिए, अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड पोर्स। अक्रॉस द विंडो पेन का मतलब ये है कि शीशे की तरह एक साफ शीशे की तरह साफ खिड़की जिससे हम बाहर झांक के देख सकते हैं, और उस खिड़की से जो फुहार है बारिश की वो टप 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 करके गिर रही है, और वो हमें वो शायर अपनी आंखों से देख रहा है। एंड स्विफ्ट एंड वाइड, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही कुशादा, हर चीज धुल के साफ हो गई है। विद अ मडी टाइड, जैसे पहले नजर आ रहा था वैसे मंजर अब नहीं है। लाइक अ रिवर डाउन द ग्यूटर रोर्स। ग्यूटर कहते हैं ऐसा चैनल जो गलियों के दोनों अतराफ में मौजूद हो, और पानी जो है बारिश का पानी आबशार की तरह बह रहा हो। द रेन द वेलकम रेन, तो फिर आखिर में शायर कहता है कि खुश आमदेद बारिश, खुश आमदेद यानी उसको बहुत अच्छा लगा। तो समर में गर्मियों में बारिश का उसने मंजर कशी की है अपने इस पूरे पोयम में। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इसको आप चाहो तो अच्छी तरह इसको खुशखती भी उतार सकते हो, और फिर इसके मुतालिक जो भी आपको एक्सरसाइज दी जाएगी उसको कंप्लीट करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।